बार बार अपील करते हुए आ रहे हैं कि दलितों को और मुसलमानों को जो प्रोटेक्शन स्टेट से मिलना चाहिए वो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन यूपी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार इसे कंप्लीट तरीके से फेल हो चुकी है। एक सवाल और, एकदम उनको पता चल जाता है कि ये मुस्लिम है, दलित है, तभी जाके वो अटैक करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो बीजेपी का कोर सपोर्टर है। अपकाश ठाकुर जो यूपी में ठाकुर है, जो उनको राजपूत बोलता है, बामन बोलता है, वो बीजेपी का कोर वोटर है, कोर सपोर्टर है। और उनके लिए लगता है कि उनके लिए सुनहरा मौका है जहाँ पर वो इस सरकार का आधार लेते हुए दलितों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को मार सके, और मार के भी कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होगी उनको पता है। सोल्यूशन क्या देखता है, क्या किया जाए भाई? सोल्यूशन इसका मुझे लगता है ये है कि क्योंकि ये सरकार एक जातिवादी सरकार है, एक कम्युनिस्ट सरकार है, अपर कास्ट की सरकार है, तो मुझे लगता है कि जितने भी अम्बेडकर दलित और पिछड़ों के संगठन है, चाहे वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक संगठन, उनको एक साथ आने की बहुत ज़रूरत है। समाज में, खासकर पिछड़े समाज में, दलितों में, आदिवासियों में, मुसलमानों में, ओबीसी में, ये बात कहने की बहुत ज़रूरत है कि ये समय हम सबको साथ में आने की, और इस अपर कास्ट टेररिज्म, ये जो ऊंची जातियों का आतंकवाद है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए हम सबको साथ आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पुलिस की तैनाती की गई, लगता है कि अब आंदोलन करना भी मुश्किल हो रहा है, खासकर बहुजनों के लिए। बिल्कुल, इस देश की सरकार ये कह रही है कि हम आपको मारेंगे, आप केस भी दर्ज नहीं करेंगे, और यदि आप प्रोटेस्ट कर रहे तो प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। इस तरह से ये पूरे जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, जो संविधान हमको प्रोवाइड करता है, उसको खत्म कर रहे हैं। और ये संविधान की अवहेलना है, ये संविधान का दिया हुआ जो गाइडलाइंस है उसका सबसे पहले लोग उस गाइडलाइंस को खत्म कर देखिए। समाज के लोग ये तो राहुल गेनू से जो कि जो दलित सरोज का जो मर्डर हुआ है, और आए दिन दलित छात्रों पर, दलित स्टूडेंटों पर आए दिन इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है, उनको बचा नहीं जा रहा, उनको मार दिया जाता है, और फिर पुलिस उनकी कोई कार्रवाई नहीं करती है, उन सबको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप ये देखें बहुत तादाद के अंदर यूपी भवन पर जो पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, और पिटे भी, मरे भी, अपना हक भी ना मांगे, इस तरीके का ये पुलिस का रवैया है।